मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने करण जौहर को क्यों कहा कि किसी ना किसी की इंसल्ट तो उनके शो पर होती है, कोई ना कोई रोता जरूर है और किसी ना किसी का दिल तो दुखता ही है, ये बताएंगे आपको इस वीडियो में। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं फिल्मी बीच, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा कुकुरेती। तो लाल सिंह चड्ढा के बॉयकॉट के बीच कॉफी विद करण सीजन 7 के 5th एपिसोड पर पहुंचे द करीना कपूर खान एंड आमिर खान। दोनों ने एक फन एंटरटेनिंग एपिसोड हमें दिया, मगर सबसे ज्यादा एपिक मोमेंट्स वो थे जब करण जौहर के शो पर आकर आमिर उन्हें ही ट्रोल करने लगते हैं। बिल्कुल इंटरेस्टिंगली जो है बहुत सारे ऐसे फन एलिमेंट सामने आते हैं। आपको बता दें कि आमिर खान बहुत ही सिंपल तरीके से शो पर पहुंचे, क्योंकि कॉफी विद करण इज ऑल अबाउट स्टाइल एंड ग्लैमर। इनफैक्ट करण जौहर ने उन्हें बोला भी, जबकि करीना कपूर खान एकदम ग्लैमरस अंदाज में वहां पहुंची थी। तीनों के बीच ढेरों कॉन्वर्जेशन हुई फिल्म को लेकर, काफ़ी सारे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत सारे रिविलेशन सबने किए। मगर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट वो था जब करण जौहर बोलते हैं कि उनको, क्योंकि जिस तरह से उन पर आरोप लगे थे जब जानवी कपूर और सारा अली खान आए थे, ये एपिसोड 2 था, तो उस पर वो बोलते हैं करीना से कि लोगों ने मुझे बोला कि मैं पार्शल था। तो करीना बोलती है, अच्छा ऐसा था क्या, मुझे नहीं लगा, मतलब देवर एग्रीन कि ऐसा नहीं था। करण बताते हैं कि मैंने जो है जानवी को अगर थोड़ा सपोर्ट भी किया, वो रीज़न ये था बिकॉज जानवी जो है वो दोनों राउंड्स हार चुकी थी, सारा बहुत ज़्यादा, सारा ने दोनों राउंड जीते थे, तो वो थोड़ा सा पुश कर रहे थे जानवी को। जिस पर जो है आमिर खान ने बहुत ही फन तरीके से बोला, हो सकता है यू आर पार्शल, क्या बात कर रहा है, मतलब यू कैन बी पार्शल। उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि बिकॉज कॉफी विद करण में जब भी कोई आता है तो किसी ना किसी की इंसल्ट होती ज़रूर है, कोई ना कोई रोता ज़रूर है और किसी ना किसी का दिल ज़रूर दुखता है। जिस पर जो है करण जौहर कहते हैं व्हाट रविश, तो मतलब एक बहुत ही अमेजिंग तरीके से जो है करण जौहर को ट्रोल करते हैं आमिर खान। इस पर करण जौहर को याद आती है क्वीन कंगना रनौत की, क्योंकि जब कंगना शो पर आई थी तो उन्होंने जो है करण को बोला था दैट यू आर फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म। जिस पर जो है करण बोलते हैं अभी शो पे बोलते हैं कि एक जना था ही मुझे ट्रोल करने के लिए, अब तुम भी उस पार्टी में जो है शिफ्ट हो चुके हो। तो कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे फन एलिमेंट्स आते हैं। इनफैक्ट करीना बोलती भी है कि करण यू वर थिंकिंग कि आमिर विल बी बोर, मतलब क्योंकि उनको लगा था आमिर विल बी बोरिंग पर्सन, बट जो है ऐसा नहीं था। आमिर खान ने बहुत ही अमेजिंग तरीके से, बहुत ही सपोर्टिंग तरीके से जो है शो में पार्टिसिपेट किया, और करण जौहर को तो जमकर ट्रोल किया। इनफैक्ट आमिर खान ने जो है करण जौहर की 50th बर्थडे पार्टी का भी मजाक उड़ाया। उन्होंने बोला क्या इतने सारे लोग थे, लाउड म्यूजिक था, लोग बात नहीं कर पा रहे थे। इससे ये भी पता चलता है कि आमिर खान जो है पार्टी पसंद नहीं है, उनको नॉर्मल जो है बातें करना, कॉन्वर्सेशन करना पसंद है। तो कहीं ना कहीं जो है करण जौहर को तो उन्होंने जमकर ट्रोल किया, और करण जौहर क्योंकि उन्हीं का शो है, उन्हीं के शो पर आकर जो है अच्छे से जो है उनकी क्लास ली गई, और बहुत ही एंटरटेनिंग और फन तरीके। फिलहाल आपको बता दें कि शो बहुत एंटरटेनिंग था, एपिसोड बहुत एंटरटेनिंग था। जो लाल सिंह चड्ढा है वो 11 अगस्त को रिलीज़ होने वाली है। ये फॉरेस्ट ग्रम का जो है ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।